समय पर एक राज्य के राजा के पास एक आदमी आया था और चैलेंज किया कि उनसे लाए गए कई टॉयज में से दो अलग है और कीमती है, और उस राज्य के राजा या प्रजा वो दो टॉयज को पहचानना है। अगर पहचान नहीं पाए तो उनकी हार स्वीकार करना है कि वह सभी बुद्धिमान नहीं है। ये बताकर आदमी ने सभी टॉयज को वहाँ छोड़कर कीमती टॉयज को पहचानने दो दिन समय देकर चले गया। राजा और प्रजा सभी ने पहले दिन सभी टॉयज को चेक किया। सभी टॉयज एक ही साइज, कलर और एक ही मटेरियल से बने हुए होने से कोई भी उसमें एक भी डिफरेंस नहीं निकाल पाए। फिर एक मंत्री ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का भरोसा देकर सभी टॉयज उस रात उनके साथ ले गया और दूसरे दिन सभी टॉयज के साथ मंत्री राजमहल आ गया। उसी समय चैलेंज करने वाला आदमी भी वहाँ पहुँच गया और पूछा कि कौन से दो टॉयज सभी से अलग है। तब मंत्री ने सभी में से दो टॉयज निकालकर एक के कान में तार डाला जो टॉय के स्टोमक में पहुंचा। मंत्री ने ये टॉय को सबसे कॉस्टली बताया। दूसरे टॉय के कान में तार डाला तो वो तार दूसरे कान से बाहर निकला, तो इसको सेकंड कॉस्टली डिक्लेयर किया गया। फिर बाकी सभी टॉयज के कान में तार डाला तो मुँह से बाहर निकला, जो सभी कम कॉस्टली डिक्लेयर किया गया। मंत्री के एक्सप्लेनेशन से चैलेंज करने वाले आदमी ने सेटिस्फाई होकर अपनी हार स्वीकार कर वहां से चला गया। तब राजा ने मंत्री को वो कैसे सभी टॉयज में से ये दो टॉयज अलग निकाला पूछा। तब मंत्री कहने लगा कि हम अपने लाइफ के कुछ बातें अपनों से शेयर करते हैं। वो बातें जो अपने पेट में रखकर दूसरों को नहीं बताता है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वैसे ही जो हमारे पर्सनल्स एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देता है उन्हें कम इम्पोर्टेंस, और हमारे पर्सनल्स दूसरों को बताने वालों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये ध्यान में रखते हुए ही सभी टॉयज में से कौन सा कीमती है बताया गया। ये टॉयज के एक्सप्लेनेशन से मंत्री के द्वारा सभी जान लिए कि अपनों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.